आपको हार्ट अटैक हुआ है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, घर पे बैठ के इंतजार ना करें। हाँ, जरूरी है, सबसे पहले तो आप, या तो आपको हार्ट अटैक आया है या आपके साथ जो भी रह रहे हैं उनको आया हो, तो छोटी छोटी जो जानकारियां होती है वो इंसान की जान बचा सकती है। कैसे, वो हम जानते हैं। पहले जैसे आपको अगर सीने में दर्द हुआ है ना, सीवियर पेन हो रहा है और ये पेन पीछे भी जा रहा है, एंड ये हार्ट यहाँ पे जॉ पे जा रहा हो, हाथ पे जा रहा हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड किस पे, यहाँ तक अगर दर्द हो रहा हो, तो इमीडिएटली आप लेट जाओ। लेट जाओ, अगर दीवार है या कोई तकिया लगा सकते हो पैरों के नीचे, या दीवार के जरिए से पैर ऊंचे कर सकते हो तो और भी अच्छा है, जिससे कि पूरा जो ब्लड है ना वो हार्ट तक जाए, जिससे हार्ट पंप कर सके। चाहे जितनी भी ब्लॉकेज हो, अगर आपको पता नहीं है कितनी ब्लॉकेज है, 60-70% है, 90% है, या जो भी है, सबसे पहले तो आप लेट जाओ। दूसरी चीज, अगर किसी और को हार्ट अटैक आया है तो आप उसे लिटाएं, और अगर इमरजेंसी घर में मेडिसिन रखी है, कार्डियोलॉजिस्ट से लेके आपने अपने पास रखी है कुछ मेडिसिन है, जैसे एस्पिरिन है, डेपिन है, या जो भी है, ब्लड थिनर है, जो भी डॉक्टर से पूछ के आपने अपने में इमरजेंसी मेडिसिन रखी है, तो वो आप इमीडिएटली दे, या तो आप डॉक्टर से फोन लगा के बात करें। इसलिए आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से हमेशा रेपो बना के रखें कि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप उन्हें फोन लगा सके, या तो फिर जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किए इमरजेंसी बेसिस पे मेडिसिन, तो वो आप दे सकते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ये माइल्ड अटैक है, कौन सा मतलब फर्स्ट अटैक है, कि सेकेंड अटैक है, कि सिवियरिटी है, कुछ भी पता नहीं है। तो आपको ये तुरंत तो एक तो लिटाएं, या मेडिसिन रखी है तो वो दे दें, या तो फिर सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट फेलियर हो चुका है, 100% ब्लॉकेज है, जो भी व्यक्ति है, जो भी पेशेंट है, वो गिर गया है जमीन पे, आप सबसे पहले चेस्ट पे, जो बीच में चेस्ट के, इस तरह से आपको पंपिंग करनी है, फटाफट बहुत तेजी रफ्तार से चेस्ट पे पंप करना है, जिससे कि हार्ट रिवाइव हो सके, हार्ट नॉर्मल स्टेज पे आ सके। सडन अटैक आया हो तो आप चेस्ट को पंप करें, बार बार रिपीटेडली आप पंप करें, जिससे कि हार्ट रिवाइव हो सकते हैं, हार्ट नॉर्मल हो जाए उस समय के लिए, टाइम बीइंग। उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाएं। ये स्पेशली प्रॉब्लम्स आती है गांव में, हॉस्पिटल ले जाने के लिए समय लग जाता है, कई बार साथ में कोई होता भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। लेकिन आप ये ना करें कि आपने मेडिसिन ले ली, आराम मिल गया तो घर पे बैठे, नहीं, आपको हॉस्पिटल जाके दिखाना है। 4 घंटे के अंदर अगर आप पहुंच गए तो डॉक्टर आपकी ECG करा सकता है, CT एंजियोग्राफी करा सकता है, और जरूरत पड़ने पर स्टेंट भी लग सकता है, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं जैसे। एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बार नहीं होगी, इसीलिए आपको इमरजेंसी मेडिसिन भी रखनी है, और ये बार बार ना हो, स्टेंट लगाने की जरूरत ना पड़े बार बार, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इन डिटेल, कि ये मेडिसिन थोड़ी बहुत घर पे रखने से आप अपने प्रियजनों की जान बचा सकते हैं, खुद की भी बचा सकते हैं और अपने प्रियजनों की भी बचा सकते हैं। क्योंकि जो शुरू के 2-3-4 घंटे होते हैं ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और छोटी छोटी गलतियों से हम अपने ही लोगों को खो बैठते हैं। इसलिए आप अलर्ट रहे, स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट्स। आप और क्या कर सकते हैं अगर किसी को हार्ट में पेन हो रहा हो? देखो, आजकल सबके पास ना BP इंस्ट्रूमेंट रहता है, चाहे वो मर्क्यूरी हो, चाहे वो डिजिटल हो। आजकल सबसे ज़्यादा डिजिटल बहुत होता है लोगों के पास, तो वो घर में अगर है या नहीं भी है तो लेके रखे, ज़रूरी है आज के समय में। तो अगर ऐसे पेन हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पत्थर रख दिया हो, इस तरह का अगर सेंसेशन हो रहा है, आप अकेले भी हो घर में, तो आप इमीडिएटली अपना सबसे पहले BP ले, BP नापे। BP अगर नॉर्मल है तो ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं लेना है, BP नॉर्मल है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। सबसे पहले तो आराम करो, आराम, और फोन लगा लो, आराम करते हुए फोन लगाओ, कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा, या आपका डॉक्टर से कांटेक्ट है तो डॉक्टर को फोन लगा के बात करे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आपके पास जो दवाइयां रखी हो उनमें से वो बोल देंगे कि इमीडिएटली आप ये मेडिसिन ले लो। तो अगर अकेले हो तो डॉक्टर को फोन लगाओ, अपना BP ले सकते हो, आराम करो, है ना, ये सारी चीजें फर्स्ट एड बोलते हैं जिसे, वो आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, 4 घंटे में जो मैंने आपको बताया है, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है इमीडिएटली। कार्डियोलॉजिस्ट फिर जो जो आपके इन्वेस्टिगेशंस करवाएगा, वो करने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक था तो कितना परसेंट ब्लॉकेज है, कि ब्लॉकेज है भी या नहीं, या किसी और कारण की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हुई है, जैसे लंग्स है ना, या तो गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, या और भी बहुत सारी गैस की प्रॉब्लम है, वो रूल आउट कर देंगे डॉक्टर। और अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है,
तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपकी मेडिसिन आपकी फेरबदल करेगा या और भी कोई हायर इन्वेस्टिगेशंस करवा सकता है। तो ये सारी जानकारी वे ऑफ ट्रीटमेंट एंड फर्स्ट एड जो भी बता सकती थी मैंने बताई। अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकती है, क्या कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो भी आप वो कमेंट्स में लिख सकती है, उसका मैं अवश्य आपको जवाब दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में ना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अपन समरी देखेंगे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर मेडिसिन एंड प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम। नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है तो कैसे प्रिवेंट करें, क्या ऑक्सिलरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी देखेंगे, घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं वो भी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या है, योगा क्या होता है इसके लिए स्पेशली फॉर दी हार्ट, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।